देश में 150 साल से चली आ रही वित्तीय वर्ष की पुरानी परंपरा बदल सकती है। फिलहाल वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के बीच रहता है, लेकिन अब ये जनवरी से दिसंबर हो सकता है। नीति आयोग की बैठक में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। अभी वित्तीय वर्ष देर से शुरू होने के चलते सरकार मानसून सीजन में योजनाएं समय से लागू नहीं कर पाती, जिससे इसका फायदा किसानों तक नहीं पहुंचता। इसके अलावा दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में जनवरी से दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर होता है। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूट्स भी डेटा रिपोर्टिंग के लिए इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। इससे मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में दो तरह के वित्तीय वर्ष में नहीं उलझना पड़ेगा, जिससे इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। हालांकि सरकार को इसके लिए टैक्स असेसमेंट ईयर में भी बदलाव करना पड़ेगा।